वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकेडमी मैथ्स बाय संजय सर। आज हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए मेंस के एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। आज हम अपना पहला मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। मॉक टेस्ट कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले वीडियो के फॉर्म में हमारे क्वेश्चंस दिखेंगे, क्वेश्चंस को आप सबसे पहले पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस मिलाने के लिए कि कौन से करेक्ट हैं कौन से इनकरेक्ट हैं, आप वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मॉक टेस्ट वन का क्वेश्चंस की सीरीज है। वीडियो को पॉज करने के बाद आप क्वेश्चंस को रोक सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की सीरीज को हल कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये 10 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की लिस्ट को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। जिस क्वेश्चन को हल करना हो उस क्वेश्चन को आप स्टॉप कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो में पॉज कर सकते हैं। स्टॉप करने के बाद, क्वेश्चन हल करने के बाद सॉल्यूशन चेक करना हो तो फाइनली हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं, उसके बाद ये 3 और क्वेश्चंस हैं जो कि 8, 9 और 10 हैं। तो 10 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सॉल्व करने के बाद हमारे सॉल्यूशन से आप आंसर्स को टैली करा सकते हैं। थैंक यू। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 10%, 20%, 25% की क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है? दो लगातार छूटों के लिए, इसके लिए एक फार्मूला है, दो लगातार छूटों के लिए सिंगल डिस्काउंट, दो छूटों के लिए इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे इस्तेमाल कर लेते हैं फर्स्ट टू के लिए, 10% और 20% दो छूटों के लिए फार्मूला क्या है? सिंगल डिस्काउंट या एकल छूट, छूट बराबर होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। तो फर्स्ट 10% और 20% के लिए यहां पे आप देख सकते हैं 10% प्लस 20% माइनस 10 इंटू 20 बटे 100, दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 20 10 30 माइनस 2 28%, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके कितना आ रहा है, 28। तो इसके लिए 28% हो गया, 28 और 25 को साथ में ले लेते हैं तो फाइनल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 28 प्लस 25 माइनस 28 फाइनल डिस्काउंट इंटू 25 अपॉन 100, 25 चुको 100, 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, ओके। तो 28 और 25 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 53, 8 5 13, 53 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, 46% सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? इस टाइप का इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने लिया है, देखते हैं इसको। 8/11, 5/8, 7/10, 4/7 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसमें आप देख रहे हैं इनका डिफरेंस, अंश कैसा है, छोटा है,
तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, हर इनका 3 ज़्यादा है, 8 3 11, 5 3 8, 7 3 10 और 4 3 7, सभी जगह डिफरेंस कैसा है, इक्वल है। अंतर अगर बराबर है तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 8/11। ओके, तो ऑप्शन पहला करेक्ट है, 8/11। इनका डिफरेंस कैसा है, इक्वल है। अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो हम डिवाइड करके कर सकते थे ऐसे क्वेश्चंस को, 11 से डिवाइड करें, 8 से डिवाइड करें, 10 से, डेसिमल में निकालने के बाद हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर डिफरेंस इक्वल ना हो उस केस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेन से पूछा गया है 2016 में, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं मेंस में, तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। इसको आपको बनाना है फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, डेसिमल के सामने 1 पुट कर दीजिए, दशमलव के सामने कितना, 1, रिमेनिंग डिजिट्स के सामने 0 0 0, रिमेनिंग डिजिट्स के सामने 0 0 0 पुट कर सकते हैं। इसको 25 से काट दीजिए, 25 से को 100, 40 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25/40, 5 8 5 5 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5/8, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान भी क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, तो 5/8 कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करुणा अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाती है जो कि उसके घर से 15 किलोमीटर दूर है, यह दूरी माइल्स में कितनी होगी। तो इसको किलोमीटर को आपको माइल में चेंज करना है, 15 किलोमीटर दूरी को, तो 1 माइल्स इक्वल टू कितना होता है, 1.6 किलोमीटर लगभग, अप्रॉक्सीमेट होता है 1.6 किलोमीटर के। तो आप यहां से देख सकते हैं अगर हम 1 किलोमीटर के बारे में देखें तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 miles। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 15 किलोमीटर है इनटू 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो चेंज कर लीजिए इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर इधर, 15 इंटू 1, तो 1 के प्लेस पे हम कितना रख सकते हैं ये, तो 15 इंटू 1.6, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, 2 8 16, 2 5 10, 15 5 75 हो जाएगा, 75/8, 8 9 72, 3 बचेगा, डेसिमल अप्लाई करेंगे और 8 3 24, तो लगभग कितना आ जाएगा, 9.3 miles, 9.3 miles, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पूछा गया क्वेश्चन है, ये अलाहाबाद हाई कोर्ट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, AHC 2016, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एज इट इज ऑप्शन भी सेम थे, तो 9.3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। 8 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल ज्ञात करना है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल का एक फार्मूला होता है, n-2 × 180, n भुजाओं वाले बहुभुज के
आंतरिक कोणों का योगफल योगफल का फार्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180। ठीक है, तो यहाँ पे पंचभुज हो, षटभुज हो, दस भुजाओं वाला हो, बीस भुजाओं वाला, कितनी भी भुजाओं वाला हो, उसका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है आठ भुजाओं वाले बहुभुज, तो n क्या है यहाँ पे, n जो है वो भुजाएं भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी है, आठ दी गई है, आठ रख लीजिए, आठ माइनस दो इंटू 180, सिक्स इंटू 180 1080 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक चार छलांगों के बदले खुद छह छलांगे लगाता है, यदि कुत्ते की दो छलांग खरगोश की पांच छलांगों के बराबर है तो उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, तो देख लीजिए यहां पे लिख देते हैं, ये हो गया कुत्ता और यहां पे खरगोश। ये हो गया खरगोश, कुत्ते की एक कुत्ता एक खरगोश की प्रत्येक चार छलांगों के बदले खुद छह छलांग लगाता है। कुत्ते की छह छलांग जब लगाता है तो खरगोश की कितनी, चार छलांगें लगा लेता है। यदि कुत्ते की दो छलांगें खरगोश की पांच छलांगों के बराबर है, कुत्ते की दो छलांगें खरगोश की पांच छलांगों के बराबर है, तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, प्रोपोर्शन में हैं, समानुपात में हैं, इसलिए यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो छः पंचे 30 हो जाएगा अनुपात, दो सत दो चौके 8, दो से काट दीजिए 15 अनुपात 4, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 4 उनकी चालों का अनुपात, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आया, ओके। देखिए यहाँ पे कुत्ता है खरगोश है, तो इसकी छह छलांगों, जब खरगोश चार छलांगे लगाता है तो कुत्ता छह छलांगे, कुत्ते की दो छलांगे खरगोश की पांच छलांगों के बराबर है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वन अपॉन x का व्युत्क्रम या इनवर्स क्या होगा, इनवर्स बताना है इसमें, इनवर्स मतलब उल्टा, जो नंबर है उसको पलट दीजिए वही इसका इनवर्स या व्युत्क्रम नंबर हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, ओके, तो इसका इनवर्स या व्युत्क्रम नंबर कितना हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का वेतन b के वेतन से 50% अधिक है तो b का वेतन a के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे देखिए जरा 50% को ऐसे लिख लीजिए, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 1/2, ये हो गया a और ये हो गया b, तो ज़्यादा वाला हिस्सा कितना है, 50% अधिक है, तो अधिक वाला हिस्सा ये हो गया, अधिक हिस्सा ऊपर होता है, ये किस, ये पहले का है, तो b से कितना, तो b का हो जाएगा बाई टू, a का कितना हो जाएगा,
ए का 50% मतलब 1 ज्यादा है, 2 से 1 ज्यादा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का 2 है तो ए का कितना हो जाएगा, 1 ज्यादा है, 2 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का हिस्सा हो गया 3 और बी का हिस्सा कितना हो गया, 2। बी का हिस्सा, बी का वेतन 1 से कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर होता है अंतर इंटू 100 बटे अधिक वाला मान। यहां पे ग्रेटर वैल्यू पुट होती है प्रतिशत कमी के लिए, तो दोनों में अंतर कितना है, 1 × 100 अपॉन अधिक वाला मान 3 है, 3 पुट करेंगे तो 100/3 ये आ जाएगा 33, सही 1/3%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 33/3% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए इसको, ये 33/1/3% को हम लिख सकते हैं, 33 या 90 और एक 100/3, और परसेंट को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए जरा, कम है, कौन कम है, ए की आय बी की आय से 33/1/3% कम है, ए और बी, तो ए की आय कितनी कम है बी की आय से, 33/1/3% कम है, तो 33 से, अब हिस्सा ये कितना, ये कम वाला हिस्सा हो गया, कम वाला, तो कितना कम है, एक कम है, किसकी आय, बी से, तो बी का कितना हो गया, 3 हो गया, और ए का कितना हो गया, 2, 3 में से एक घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 2, कम है ना, तो बी का हिस्सा कितना हो गया, 3, और ए का हिस्सा 2 हो गया। प्रतिशत वृद्धि कितने परसेंट ज्यादा है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लगा लीजिए, परसेंटेज इंक्रीमेंट इक्वल टू डिफरेंस इनटू 100 अपॉन, अब यहां वृद्धि है, पिछले वाले में कमी थी, कमी थी तो यहां बड़ा वाला मान रखा था, इस बार वृद्धि है तो छोटा मान, स्मॉलर वैल्यू रखेंगे, छोटा मान रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, दोनों में अंतर 2 का है, सॉरी 1 का है, 1 × 100 छोटा मान इसमें से 2, 2 से काट दीजिए, तो और ये आंसर आ जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 50% है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एंगल बी की वैल्यू दी है 118 और एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 96 दी है, तो सबसे पहले काम इन इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, कैसे देखिए जरा, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 118 दिया है, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू है 96, इसको ऐड कर लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल ए, इसको अलग अलग रखिए, ए प्लस बी प्लस सी 8, 6, 14 और 9, 1, 10 और 1, 11 214 डिग्री हो जाएगा ये टोटल एंगल। As we know that, जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसके प्लेस पे कितना रख दीजिए, 180 रख दीजिए, 214 डिग्री। ठीक है, तो A का मान कितना हो जाएगा, 180 घटा दीजिए,
ये आ जाएगा 4 और यहाँ से 11 8 3 ये हो जाएगा 34 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका 34 डिग्री करेक्ट है। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने चालू की है मॉक टेस्ट। तो हम आशा करते हैं कि इससे उन बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा जो लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जो नई वीडियोस हम आपको देंगे वो तुरंत आपके फ़ोन में पहुंच जाएंगी। थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आपके लिए फ्री वीडियोस बनाता रहूं, तो सबसे पहले मेरे चैनल स्कॉलर्स एकेडमी मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और लाइक तथा शेयर भी कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक यू।